भांडवपुर महातीर्थ में प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भगवान महावीर के 27 भवों का हुआ भव्य मंचन। सायलाकुंड क्षेत्र के भांडवपुर महातीर्थ में प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने बताया कि धर्म सभा में आचार्य नरेंद्र सूरी महाराज ने कहा कि देश में मंदिर तो सभी तरह के बने, परंतु भांडवपुर महातीर्थ में प्रथम बार आगम मंदिर बनना एक विशिष्ट उपलब्धि है, जो भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य जरदसूरीश्वर महाराज की परिकल्पना है। निपुण रतन विजय महाराज ने कहा कि शुभ भावों को प्रकटने का आलंबन भांडवपुर महातीर्थ की धरती पर है। आचार्य जयरत्नेश्वरीश्वर महाराज ने प्रतिष्ठा संबंधी छड़ाओं की जानकारी दी। प्रवचन के पश्चात भगवान महावीर के 27 भवों की सुंदर सजीव संगीतकार संगवी दीपक जैन कनपुरिया ने निर्देशन में उज्जैन से पधारे कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी गई। महोत्सव के चौथे दिन गुरुवार को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा के तहत जैन चैन श्री गुरुपद महापूजन संगीत की स्वर लहरियों के साथ पढ़ाई गई। शाम को कुमारपाल महाराजा की आरती के साथ लाभार्थी हाथी पर बैठकर बैंड बाजों के साथ भव्य वरघोड़े के रूप में श्री सकल संघ साथ पधारे। लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना वितरित की गई। परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नैनी भी राम अंगरचना तथा विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है। तीर्थ के प्रति आपको प्रोफेशनल रूप में ही रखना है, गुरु भक्त के रूप में रहना है, और उसी गुरु भक्त के नाते आपने बड़े ही सुंदर में इस पूरे 27 भवों का नाटक लिखा, लिखकर रिकॉर्डिंग कर लिया। रिकॉर्डिंग के बाद 15 से 20 दिनों तक ये सभी पात्र तैयारी कर रहे हैं, और सभी पात्रों के द्वारा सुंदरमय 27 परमात्मा के भवों का अद्भुत रूप से जिन्होंने मंचन किया है। अभी तो आधे घंटे का दिव्य चंद्रमाला का भी बहुत सुंदर रोल है, लेकिन समय की मर्यादा है। हमारे गुरुदेव सुबह से यहाँ बैठे हैं, हम बड़े सुंदर जगमी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत दीपक ग्रुप भी करता है। पूरी खूब खूब आपका इंडिया।